नमस्कार। आज जो आपके सामने मैं मुद्दा लेकर आया हूँ, बात रखने आया हूँ, पिछले 2 दिन से मुझे कई मीडिया मित्रों के फोन आ रहे थे कि टुकिया जी प्रदेश की विद्युत विभाग निजीकरण होने जा रही है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है। तो मैं भी 2-3 दिन रात देख रहा था कि इसके ऊपर हमारे प्रदेश के वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, उनकी पार्टी जिला पंचायत, नगर पालिका, गुरुग्राम पंचायत में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, इस बात को लेकर मीडिया के सामने आए कि नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी बात होती है तो उनकी बात मीडिया में आ जाती है, पेपर में, न्यूज में आ जाती है। तो मैं राह देख रहा था कि भाई इस मुद्दे के ऊपर प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधि है जो भी है वो बोलेंगे और इसका विरोध दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए मजबूरन मुझे इस बात को लेकर जब जब प्रदेश के हित में मुझे बोलना पड़ा है मैं बोला हूँ, विरोध करना होता है विरोध किया है। अब बिल्कुल ही बेझिझक कहा है किसी मुद्दे को लेकर। केंद्र की सरकार द्वारा कई सालों से कहते कहा जा रहा है, उनके जो बड़े बड़े जो नेता है वो कहते हैं कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन ये पिछले 5 साल से 6 साल से हम देख रहे हैं कि देश की संपत्ति देश के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में सौंपी जा रही है। वही मामला यहां पर भी हुआ कि दादरा नगर हवेली, सबको पता है कि दादरा नगर हवेली एक बहुल आदिवासी विस्तार है। अगर ये विद्युत विभाग निजीकरण होता है तो क्या नुकसान होता है? सबसे पहला नुकसान यहाँ के आदिवासी समाज को, क्योंकि दादरा नगर हवेली बाहुल आदिवासी विस्तार है, आज भी 70% आदिवासी समाज है। जैसे निजीकरण होगा वैसे ही 43% का जो रिजर्वेशन है वो खत्म किया जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे निजीकरण होता है वैसे आरक्षण खत्म होता है। तो सबसे बड़ा केंद्र की सरकार का यह षड्यंत्र है कि देश में जो आरक्षण मिलता है एससी एसटी ओबीसी जो वर्ग जो है उनको सरकारी विभागों को निजी हाथों के लोगों को सौंपना, और जैसे निजीकरण होता है वैसे आरक्षण खत्म हो जाता है। दूसरी बात कि दादरा नगर हवेली में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और महामारी के चलते आपको पता है कि सब इंडस्ट्रीज बंद है, उसको दोबारा शुरू करने के लिए वापस उनको प्रोसेस में आना पड़ेगा। और साथ साथ में ये भी है कि एक तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यूपी बिहार या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या राजस्थान से जो वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो पलायन हो रहे हैं। एक तो मजदूरी की कमी हो जाएगी, यानी सीधा से सीधा प्रोडक्शन के ऊपर असर आएगा, साथ ही बिजली महंगी होगी। और वैसे भी दादरा नगर हवेली में ये लोकशाही तो खत्म हो ही चुकी है, यहाँ 2-3 अधिकारी है वो जो बोलते हैं उतना ही होता है, जनप्रतिनिधि तो साइलेंट मोड पे बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो केंद्र की सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि दादरा नगर हवेली या केंद्र शासित प्रदेश हमारे प्रदेश में जो विद्युत विभाग को जो निजीकरण किया जा रहा है उसका दादरा नगर हवेली कांग्रेस समिति, कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। साथ ही दमन दीव के हमारे कांग्रेस के साथी श्री केतन भाई पटेल ने भी 2-3 दिन पहले इसका विरोध किया था, बिल्कुल उसका मैं समर्थन करता हूं। दमन दीव में आपने ऑलरेडी विरोध कर दिया है, दादरा नगर हवेली भी कांग्रेस समिति विरोध करता है और इसकी निंदा करता है, और आने वाले समय में जब भी जरूरत पड़ेगी रोड पर उतर कर इसका विरोध करने की बात आएगी तो बिल्कुल सबसे पहले यहां पर दादरा नगर हवेली कांग्रेस समिति रहेगी। नमस्कार।